हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ। दोस्तों कैसे दोस्तों आप अपने डिवाइस में दोस्तों ऑटो स्क्रीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। मतलब दोस्तों अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन कुछ ही सेकंड में इस तरीके से ऑफ हो जाती है तो दोस्तों आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम को आप इस सेटिंग को कैसे ही यूज़ कर सकते हो, आज की वीडियो दोस्तों ये बात करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आपको अपने डिवाइस में क्या करना है, अगर दोस्तों आपकी भी स्क्रीन कुछ ही सेकंड में इस तरीके से ऑफ हो रही है बार बार, तो दोस्तों आपको इसके लिए क्या करना है, फ़ोन की सेटिंग को ओपन करना है। फ़ोन की सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों इससे एक इंटरफेस आएगा आपके डिवाइस में। दोस्तों आपको अपने डिवाइस में यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आप लॉक स्क्रीन सेटिंग पर क्लिक करोगे और फिर दोस्तों आपके डिवाइस में यहाँ पर स्लिप सेटिंग दिख रही होगी, तो आपको स्लिप सेटिंग पर क्लिक करना है अपने फ़ोन में। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो 15 सेकेंड्स से यहाँ पर है, 10 मिनट्स और लास्ट नेवर का ऑप्शन भी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं इसको 1 मिनट पे कर देता हूँ, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरे फ़ोन की स्क्रीन है अब वो 1 मिनट के बाद ऑफ होगी अगर मैं कहीं भी टैप वगैरह नहीं करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो 15 या 30 सेकेंड के बाद स्क्रीन ऑफ नहीं होगी ऑटोमेटिक। जैसे दोस्तों अगर मैं वापस से इसको सेलेक्ट करता हूँ 15 सेकेंड या 30 सेकेंड पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ओनली 15 सेकेंड के बाद मेरे फ़ोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, जैसे कि आपकी भी हो रही होगी स्क्रीन। आप देख सकते हो दोस्तों अगर आप कहीं भी टैप नहीं करोगे, आप अपने फ़ोन को ऐसे रख दोगे, आपकी स्क्रीन यहाँ पे इस तरीके से ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी, आप देख सकते हो। दोस्तों इसके लिए आपको अपने फ़ोन स्लिप टाइम को इंक्रीज़ कर लेना है। आप अपनी अकॉर्डिंग कभी कर सकते हो 1 मिनट 2 मिनट, आप यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट और लास्ट दोस्तों नेवर का ऑप्शन है। अगर ऐसे कर दोगे नेवर पे, दोस्तों अगर आपने अपनी बार अपनी स्क्रीन को ऑन कर दिया तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन अब ऑफ नहीं होगी जब तक आप पावर बटन से इसको ऑफ नहीं कर देते। दोस्तों इस तरीके से आप अपनी ऑटो स्क्रीन और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीन टाइम आउट को आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो अपने फ़ोन में। अगर दोस्तों आप कोई और फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आप स्क्रीन टाइम आउट को सर्च कर लो, और अगर आप रेडमी फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर आप स्लिप सेटिंग को भी सर्च कर सकते हो ऐसे, तो आपको ये सेटिंग मिल जाएगी। स्लिप सेटिंग पर क्लिक करते ही डायरेक्ट यहाँ पर आप स्लिप सेटिंग के पेज पर आ जाओगे और यहाँ पर आके आप इसको सेट कर सकते हो। दोस्तों मैं इसको 2 मिनट पर सेट कर रहा हूँ या फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए कर लेता हूँ। दोस्तों जो मेरे फ़ोन की स्क्रीन है अभी ऑटोमेटिकली 5 मिनट के बाद ऑफ हो जाएगी अगर मैं कहीं भी टैप नहीं करूँगा। और भी सेटिंग है दोस्तों यहाँ पे रेस टू वेक है, रेस टू वेक दोस्तों आपको पता ही है कैसे यूज़ करते हैं, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है। जैसे ही आप अपने फ़ोन पर से पिकअप करोगे यहाँ पर आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। एक सेकेंड देख सकते हो इस तरीके से स्क्रीन ऑन हो जाएगी, और मैंने सोचा शायद ऑन नहीं करा। तो यहाँ पे दोस्तों ये सेटिंग अभी काम नहीं कर रही है, बट अगर आप ऐसे उठाओगे तो आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है वैसे तो, बट इसमें शायद अपडेट आ रखा है इसलिए शायद ये नहीं हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते, बट आपके अगर आप करोगे तो आपके फ़ोन में यहाँ पे स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑन और फिर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी अगर आप करते हो तो। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस सेटिंग को भी यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर डबल टैप टू वेक स्क्रीन सेटिंग है, जब आपका यहाँ पे फ़ोन लॉक है दोस्तों यहाँ पर आप डबल टैप से स्क्रीन को ऑन कर सकते हो, डबल टैप से ऐसे ऑफ कर सकते हो। तो इस तरह दोस्तों आप सेटिंग को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।